अब निकालने के लिए बोले सर। रखो ना यार, अरे रखो ना यार, तुम किसका बात सुन रहे हो सर? बता, इधर बोल रहे उधर बोल रहे हैं, उधर तो जीत कर रहे, बात कीजिए उधर, क्या बोल रहे हैं देख रहे हैं। आप क्या सोचे थे नीरज सिंह निकल गया? क्यों पढ़ सकते हैं, नीरज सिंह आया पहले तरन ताल का बाहर करना है, बच्चा लग गया शिक्षक का बच्चा, इसलिए हम लोग आधे घंटे डायरेक्टर अपने बोल रहे हैं कि रणवीर जी आपसे 25 साल पुराना संबंध है लेकिन हमको इसकी जानकारी नहीं। हम बोले आप सुप्रीमो है और आपको ये जानकारी नहीं है कि बच्चा डूब कर आया हो, ठीक है। इतना बड़ा नेग्लिजेंस है कि सिंगल चाइल्ड वो लड़का था बच्चा उस घर का चला गया, लेकिन इसको दीवार फंद से जाने की जरूरत नहीं, बहुत छोटी भी नहीं, दीवार फंदना एक छोटा बच्चा उसकी गलती पर नहीं है, लेकिन बड़ी गलती है नहीं, लेकिन छुट्टी होना चाहिए। इतना बड़ा रखते हुए बहुत रखती है डीएसपी साहब, इनको जो समझते हैं लोग अपना समझ, एकदम नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस बराबर लोगों के साथ हो रहा है, के लिए सब मजाक था। स्विमिंग पूल होना चाहिए तो 100% सिक्योर, ना तो बहुत दिन बंद रहा, उसके दिमाग में आया जैसे कोई लड़का होगा साथ में, बच्चा है बहुत फ्रेजाइल। स्वास्थ्य के नाम का बच्चा है जो अपने दो अन्य दोस्तों के साथ तरन ताल में जो स्विमिंग पूल है नहाने के लिए गया हुआ था, वहाँ उसमें डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। जब पता चला तो वहाँ सूचना पर उसे फिर अस्पताल लाया गया है, अस्पताल में इलाज किया गया है, लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी है, यही स्थिति है। अब इलाज के क्रम में डॉक्टर ने बताया कि उसका ECG जो ग्राफ है वो प्लेन चल रहा था, वो जिस वक्त लाया गया था रिसेसिएशन का काफ़ी प्रयास किया गया लेकिन रिसेसिएट नहीं हुआ, वो तो डॉक्टरी प्रक्रिया है, उसमें कब क्या करना है वो डॉक्टर जानते हैं। लापरवाही की बात सामने आ रही है, अभी तक तो ऐसा कोई मामला नहीं आया।